नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेडी कंप्यूटर जोन में। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड का शॉर्टकट की के बारे में, A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल प्लस ए, इससे जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट लिखे इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं कंट्रोल प्लस बी, इससे जो है हम लेटर को बोल्ड कर सकते हैं। ए देखिए बोल्ड हो गया। अब कंट्रोल प्लस सी से हम लोग जो है लेटर को कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी हो गया है। अब कंट्रोल प्लस डी से जो है हम लोग फॉन्ट विंडो ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डी, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे फॉन्ट विंडो ओपन हो गया। अब हम लोग आते हैं कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई से जो है हम लोग सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, जो हम लोग का टेक्स्ट है इसको हम लोग सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस सेफ, कंट्रोल प्लस सेफ से जो है हम लोग फाइंड बॉक्स ओपन कर सकते हैं। देखिए ये फाइंड बॉक्स हो गया, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट अगर लिखे वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी से हम लोग गो टू ओपन कर सकते हैं। गो टू अर्थात हम लोग को अगर भी फॉर एग्जाम्पल अगर 10-20 पेज लिख करके रखे हैं तो वहां पे पेज नंबर एंटर करेंगे, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एच से जो है हम लोग रिप्लेसमेंट विंडो ओपन कर सकते हैं। देखिए रिप्लेस, अगर कोई वर्ड को जो है रिप्लेस करना, आप देखे होंगे 3 इडियट मूवी में जो है वहां से जो है वर्ड रिप्लेस किया गया था, तो इसके ये शॉर्टकट की के माध्यम से कंट्रोल प्लस एच। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आई, कंट्रोल प्लस आई से हम लोग जो है लेटर को जो है वो इटैलिक कर सकते हैं, देखिए। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे से जो है हम लोग लेटर को जस्टिस कर सकते हैं। जस्टिस अर्थात एक लाइन, दोनों साइड का लाइन जो है बराबर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे इक्वल में आ गया इधर भी इधर भी। उसके बाद हो गया के से जो है कंट्रोल प्लस के से जो है हम लोग हाइपर लिंक ओपन कर सकते हैं। कोई वेबसाइट वगैरह अगर है, किसी का लिंक है तो यहाँ पे जो है ये आप ऐड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो है कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल से जो है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कोई भी टेक्स्ट अगर लिखेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। उसके बाद कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम से देखेंगे तो मार्जिन हो जाएगा, ये ज्यादा मार्जिन लेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एन, इससे जो है नया पेज ओपन कर सकते हैं, देखिए नया पेज ओपन हो गया है। कंट्रोल प्लस ओ से जो होगा हम लोग जो है ओपन बॉक्स ओपन कर सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर जो होता है उसे ओपन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ से, और यहाँ से कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी से हम लोग जो है प्रिंट कर सकते हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे प्रिंट करने का पेज जो है यहाँ से ओपन हो गया। कंट्रोल प्लस क्यू से जो है यहाँ पे हम रेडो कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर से जो है राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट को जो है राइट अलाइनमेंट कर दिया हूँ। कंट्रोल प्लस एस से जो है फाइल को आप सेव कर सकते हैं, देखिए पेज को मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ, ये देखिए नाम ले करके सेव कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस यू से जो है आप अंडरलाइन कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल प्लस वी से जो है ये पेस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए अगर जो मैं कॉपी किया हूँ उसे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए पेस्ट हो गया। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से जो है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से यहाँ क्लोज कर सकता हूँ विंडो को, मतलब जो फाइल ओपन करके रखा हूँ एमएस वर्ड का पेज उससे मैं क्लोज कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस एक्स से जो है कट कर सकता हूँ, ये देखिए कट हो गया। कंट्रोल प्लस वाई से जो है रेडो कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस जेड से जो है ओंडो कर सकता हूँ, ये देखिए। तो ये था एमएस वर्ड का ए से लेकर के जेड तक का शॉर्टकट की, और इसे बिल्कुल आसानी से जो इसे मेमोराइज कर सकते हैं विदाउट माउस, आप अपना वर्क जो है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और कीपैड के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।